नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। और मैं हूं विवेक मित्तल, और आज हम एक कंपनी के बिजनेस आउटलुक पर बात करेंगे। कंपनी का नाम है इंसेक्टिसाइड्स इंडिया, और कंपनी के टॉप मैनेजमेंट यानी कि कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे साथ जुड़े हैं, मिस्टर राजेश अग्रवाल जुड़े हैं। अग्रवाल सर, हाय, गुड आफ्टरनून सर, एंड थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर प्रीशियस टाइम। प्लेजर एब्सोल्युटली माइन, एंड सभी दर्शकों को नमस्कार। बिल्कुल सर। सर, अगर हम देखें तो जिस तरह से मॉनसून की स्थिति देखने के लिए मिल रही है, एंड आप चूंकि एग्री स्पेस से कनेक्टेड है आपकी कंपनी, सर अगस्त में हमने देखा कि कल ही में डेटा पढ़ रहा था कि एफएमसीजी सेल भी कल डिक्लाइन होती हुई दिखाई दी। आई मीन अगस्त महीने के लिए डेटा आया करीब 8% की डिक्लाइन। सर, रूरल एरिया में मॉनसून का कितना असर है आपकी कंपनी पर? देखिए, रूरल एरिया में मानसून का इम्पैक्ट है क्योंकि अलनीनो है और वर्ल्ड वाइड अलनीनो का इम्पैक्ट है। इंडिया भी उससे अछूता नहीं है, लेकिन इंडिया के साथ एक एडवांटेज रहा कि इस बार वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से रेगुलर रेनफॉल्स हमें मिलते रहे जगह जगह पर, और काम चलता गया। तो सेकेंड क्वार्टर बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ, जुलाई वॉज वेरी गुड, बट अगस्त के अंदर बहुत ज़्यादा रेन्स के डेफिसिट थे जिसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। हमारे लिए अगर मैं इंसेक्टिसाइड इंडिया की बात करता हूँ, जुलाई ऑल टाइम हाईएस्ट मंथ रहा और हमने रिकॉर्ड सेल किया इसमें। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगस्त भी उतना ही अच्छा होगा और मैं अगस्त के अंदर भी जुलाई के नंबर्स मीट आउट कर पाऊंगा, लेकिन हम अपने टारगेट के बहुत नज़दीक पहुंच पाए। ओरिजिनल टारगेट ने जो हमने सोचा था जुलाई को रिपीट कर देंगे, उतना नहीं कर पाए। हम जुलाई से 80% सेल ही कर पाए अगस्त में। सेप्टेम्बर में अभी फिर से बरसातें शुरू हुई है थोड़ी थोड़ी, थोड़ा सेंटिमेंट पॉजिटिव हुआ है। कुछ जगह पर एक्सेस रेन भी हुई है, फ्लड्स के न्यूज़ आप देख ही रहे हैं, छोटे मोटे जो फ्लैश फ्लड्स है, लेकिन मैं समझता हूं फिर भी थोड़ा सितंबर में पिकअप होगा और ये क्वार्टर हमारा ऑल टाइम हाईएस्ट क्वार्टर होना चाहिए कंपनी के लिए। इसके अंदर बहुत सारी चीजें जिम्मेदार हैं क्योंकि हमने बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट्स डाले, कोविड के दौरान भी डाले, तो पिछले 2-3 साल में बहुत सारे कंपनीज के लॉन्चेस थे, इस साल भी कुछ लॉन्चेस थे, न्यू जनरेशन बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमने मार्केट में डाले और उन पर टीम इफेक्टिवली काम कर रही है मार्केट में। तो ये एक बड़ा रीजन है क्योंकि आईएल को जिससे ग्रोथ मिल रहा है। अदरवाइज आप ओवरऑल इंडस्ट्री की बात करेंगे तो इंडस्ट्री पॉजिटिव नहीं है, डिक्लाइन में है। सर, मैं आपके Q1 के रिजल्ट्स भी देख रहा था, वहां पर सेल्स में तो जंप देखने के लिए मिल रहा था, लेकिन थोड़ा सा मार्जिन्स पर प्रेशर था सर, कोई स्पेसिफिक रीजन? जी, ये भी कोविड का इम्पैक्ट था क्योंकि कोविड के दौरान बहुत ज़्यादा प्राइसेस बढ़े और एकदम से फिर जब लास्ट ईयर का फैग एंड था, प्राइसेस घटने शुरू हुए, जिसका इम्पैक्ट हमारे लास्ट ईयर के लास्ट क्वार्टर पे भी आया था क्योंकि हम कंटिन्यूस परचेज करते गए, तो मुझे मार्क टू मार्केट लॉसेस थे जिसकी वजह से लास्ट क्वार्टर का मेरा जो लास्ट क्वार्टर था लास्ट ईयर का, वो नेगेटिव हुआ। और उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा अभी भी था क्योंकि इन्वेंट्रीज बहुत ज़्यादा हाई थी और उनके प्राइसेस 20-30 से लेकर 40% तक गिरे थे, जिसका इम्पैक्ट मुझे Q1 में भी रहा। लेकिन खुशी की बात यह है कि मैं बहुत हद तक अपनी इन्वेंट्रीज डाउन की हैं। हमने Q1 में ही अपनी इन्वेंट्री बहुत अच्छे से डाउन की थी और Q2 में भी लगातार हम इन्वेंट्रीज कम करने पर काम कर रहे हैं। तो जो भी हमारे पास हाई वैल्यू स्टॉक्स थे वो मार्केट में हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं और अपने जो अभी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं उनको बाजार में बेच रहे हैं। तो इस Q2 की जब परफॉर्मेंस आएगी तो अब आपको दिखाई देगा कि जो हमारी इन्वेंट्रीज के लॉसेस थे जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट आ रहा था, उससे हम पूरी तरीके से बाहर आ चुके हैं। जी सर, तो इस साल कितने एबिटा मार्जिन हम देखने के लिए देख सकते हैं? बिकॉज हमने देखा कि जो एबिटा मार्जिन इस क्वार्टर में देखने के लिए मिले थे वो तो करीब 7.1% थे, तो सर इस साल के लिए क्या गाइडेंस देंगे? देखिए, मैं अभी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव गाइडेंस नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी ये बताऊंगा कि लगभग 10% का एबिटा मार्जिन इस साल हम सोच सकते हैं जो आईएल से आएगा, एंड विद अ डिसेंट ग्रोथ इन टॉप लाइन। तो टॉप लाइन में जो ग्रोथ हमने Q1 में दिखाई थी, मुझे ऐसा लगता है कि Q2 में उसको बरकरार करेंगे, बल्कि बीट भी कर सकते हैं अगर थोड़ा भी रीजनेबल रहता है तो। सेप्टेम्बर ऑलरेडी मैंने लास्ट ईयर की फिगर्स को टच कर दिया है और अभी 20 दिन बाकी हैं। तो सर, जो हाई कॉस्ट इन्वेंट्री है वो पूरी तरह से लिक्विडेट हो गई है या Q2 में भी कुछ उसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिल सकता है? देखिए, Q2 में भी उसका लिक्विडेशन हुआ है, अभी भी 10-15% रह सकती है, लेकिन वो मार्केट मार्केट चलती रहती है प्लस माइनस, उसका मेजर इम्पैक्ट नहीं है, वो सारा कुछ अब हो चुका है। तो जो भी उसका मेजर इम्पैक्ट आना था उतना कंजम्पशन हम कर चुके हैं। और एक चीज सर, कंपनी ने अभी कुछ नई जो साइट है उनको एक्वायर किया है, आपने कुछ राजस्थान में फॉर्मुलेशन प्लांट लगाने के लिए कुछ लैंड एक्वायर की है सर, उसके बारे में बताइए, कब तक पूरा काम शुरू होना है और कब तक खत्म होगा, कब तक उसके रिजल्ट्स आएंगे? हमने राजस्थान के अंदर करीबन 15 एकड़ का एक प्रोजेक्ट एक्वायर किया है,
यहाँ पर ये एनसीएलटी से हमने साइट ली, इसके अंदर कुछ 2 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन है। तो मेरा आइडिया ये था कि यहाँ फॉर्मुलेशन प्लांट में जल्दी स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन अभी हमने प्लान किया है कि यहाँ पर टेक्निकल भी हमें साथ में चालू करना है, तो खाली फॉर्मुलेशन पे लिमिटेड नहीं रखेंगे। तो ये प्रोजेक्ट लगभग 1.5 साल का रहेगा, अभी पेपर के ऊपर चल रहा है, तो फॉर्मुलेशन और टेक्निकल दोनों ही हम अगले साल में चालू करने का लक्ष्य रखेंगे। अभी पेपर वर्किंग इसकी चल रही है, क्लोज नहीं हुई है, लेकिन मुझे लगता है बहुत जल्दी मैं इसको क्लोज कर दूंगा और जल्दी से इस पर काम चालू कर देंगे हम। सर, अभी एक आपके दाहेज प्लांट में भी आई थिंक कुछ फायर एक्सीडेंट हुआ है सर, उसके बारे में बताएं अभी कितना लास्ट वीक प्रोडक्शन। जी जी लास्ट वीक में एक छोटा फायर इंसिडेंट हुआ हमारे प्लांट पे, जिसका नाम हमारा बीएनजी प्लांट है, हर्बिसाइड का प्लांट है। तो खुशी की बात यह है कि फायर हम लोग कंट्रोल कर पाए, रीजनेबल टाइम पीरियड में कंट्रोल कर पाए, लगभग 1.5 से 2 घंटे फायर चला। लेकिन इस फायर के अंदर कोई भी हमारा मेजर जो प्लांट है उसका कोई इक्विपमेंट डैमेज नहीं हुआ, छोटे छोटे स्टोरेज टैंक्स वगैरह का डैमेज हुआ है, लॉस है कुछ करोड़ का, जो कि अभी असेसमेंट चल रहा है, और उसके अंदर कुछ पाइपलाइंस, कुछ शेड का, कुछ कनोपीज और तार, कुछ मोटर, उस टाइप के लॉसेज हैं। मेजर लॉसेज नहीं है, माइनर लॉस से ही हम निकल गए। तो हमें एक सीख भी मिली कि किस तरीके से हमें अपनी सेफ्टी और प्रिकॉशन पर और क्या ज्यादा बेहतर ध्यान रखना है, किस तरीके से काम करना है। तो अभी भी मैं प्लांट पर ही आया हूँ, तो सारी टीम से यही प्लानिंग चल रही है कि कितना जल्दी हम प्लांट को रिस्टार्ट कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बीएनजी प्लांट की पर्टिकुलरली हमारी 1 महीने की प्रोडक्शन हिट होगी, लेकिन जो दूसरे प्लांट्स हैं यहाँ पर फॉर्मुलेशन और टेक्निकल, वो प्लांट चलते रहेंगे और लगातार प्रोडक्शन करते रहेंगे। फॉर्मुलेशन प्लांट का जो ऑफ आया वो केवल 1 दिन का आया, जो ए एन एम, जो मेरा दूसरा टेक्निकल प्लांट है, उसका ऑफ खाली 2 दिन का आया, अभी रेगुलर वर्किंग में आ गया है। और बीएनजी को भी मैं समझता हूँ 1 महीने में हम लोग अप एंड रनिंग कर देंगे। तो सर, अभी तक कुछ असेसमेंट जो भी आपने किया है कि कितने करोड़ में है, और इसके अगेंस्ट में इंश्योरेंस है क्या कंपनी के पास? कंपनी फुली इंश्योर्ड, कोई नुकसान उस तरीके का नहीं होगा, लेकिन हाँ डेफिनेटली 1 महीने का जो नुकसान है वो है। अभी अमाउंट डिक्लेयर करना मुश्किल है, मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन समवेयर बिटवीन 5 to 10 करोड़ ये लॉस होगा। सर, आपने जिस तरह के, मैं प्रोडक्ट्स पर आ रहा हूँ आपके दोबारा, कि जो आपने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं और जिस तरह की आपकी प्रोडक्ट पाइपलाइन है सर, उनको एक्सपोर्ट फ्रंट पर भी ले जा रहे हैं या केवल डोमेस्टिक फ्रंट पर ही लॉन्च कर रहे हैं, और किस तरह की प्राइसिंग है उनकी? देखिए अभी जो प्रोडक्ट्स हमने बनाए हैं उसको सब स्टेप 1 में हम लोग डोमेस्टिक मार्केट के अंदर लेके गए हैं। एक्सपोर्ट फ्रंट के लिए उसकी डाटा जनरेशन चल रही है और हम अपने कस्टमर्स के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो जैसे जैसे कस्टमर्स इंटरेस्ट दिखाते रहेंगे हम उन प्रोडक्ट्स को डालते रहेंगे, क्योंकि क्रैम्स एक बड़ा बिजनेस है इंडिया से। आज इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हो गया एग्रोकेमिकल का। हम बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए हैं, हमारे लिए एक्सपोर्ट बिजनेस अभी भी छोटा बिजनेस है, क्योंकि अगर मैं टोटल बिजनेस के वॉल्यूम पे देखता हूँ, जहाँ लगभग हम 1800 समथिंग करोड़ कर रहे हैं, वहाँ पर मेरा एक्सपोर्ट 150 करोड़ से भी नीचे ही चल रहा है। तो छोटा एक्सपोर्ट है, तो इसको ग्रो करना चाहते हैं, क्रैम्स बिजनेस में भी अपॉर्चुनिटी देखना चाहते हैं, और ये जो नए टेक्निकल्स हैं इनकी अपॉर्चुनिटीज भी हैं। यहाँ पर एक छोटी सी सिल्वर लाइनिंग भी है कि हमारे कुछ रजिस्ट्रेशन साउथ अमेरिका में इस साल हिट हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि इस जनवरी आते वाली जनवरी फरवरी से ही हमारी कुछ एक्सपोर्ट साउथ अमेरिका के लिए भी चालू हो जाएंगे, विच विल बी अ बिग ब्रेक थ्रू फॉर द कंपनी। उसके साथ साथ जापान के लिए और कुछ और कंट्रीज के लिए भी हमारी बातचीत चल रही है। लगभग 40 कंट्रीज में हमारे रजिस्ट्रेशन अभी ऑलरेडी चल रहे हैं, तो जैसे जैसे रजिस्ट्रेशन मिलेंगे इनका फायदा होगा। और जो मैं अभी नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहा हूँ, ये सब वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं, खास तौर पे हर्बिसाइड्स हैं और कुछ इंसेक्टिसाइड्स हैं। इनका भी स्कोप वर्ल्ड मार्केट में अच्छा है, इनके लिए भी हम काम कर रहे हैं। तो जैसे जैसे कुछ ब्रेक थ्रूज होते रहेंगे हम इन्फॉर्म करते रहेंगे, लेकिन मेरा यह मानना है कि हमारा जैसे जैसे डोमेस्टिक बिजनेस बढ़ेगा, इंटरनेशनल बिजनेस भी और तेजी से बढ़ेगा। इंटरनेशनल बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमने दुबई के अंदर भी अपनी कंपनी का एक एक्सटेंशन किया है, एक अवतार नया बनाया है, इसका बैंक अकाउंट भी अभी शॉर्टली खुल जाएगा। तो यहाँ से भी जब कारोबार होगा तो मिडल ईस्ट में, अफ्रीका में, सीआईएस में और उसके आसपास की यूरोपियन, जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं, इन सब में भी हम अच्छा एक्सपेंशन और अच्छा बिजनेस कर पाएंगे। तो मैं स्कोप देखता हूं, लेकिन हाँ अभी ब्रेक थ्रू बड़ा नहीं हुआ है, फिर भी मैं कह सकता हूं कि हम आगे भी अपने जो लक्ष्य हैं एक्सपोर्ट के ग्रोथ के, वो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बड़े अग्रेसिव रखेंगे। जी, तो सर कितना एक्सपोर्ट हो जाएगा इस साल में, क्या एस्टिमेट्स हैं? देखिए ये साल एक्सपोर्ट के लिए बहुत खराब साल है, खराब इसलिए कि दुनिया भर में एलनीनो का इम्पैक्ट है, खास तौर से अमेरिका
जो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, वहां पर सब इन्वेंट्रीज के अंदर सारा सिस्टम फंसा हुआ है। यूरोप में भी सिमिलर हाल है, और जो मिडल ईस्ट और अफ्रीकन कंट्रीज है वहां पर जो क्राइसिस है वो करेंसी का बहुत बड़ा क्राइसिस है जिसका इम्पैक्ट है। तो इस साल मेरा मानना है कि लगभग हम 150 करोड़ के आसपास ही पहुंच पाएंगे, बहुत बड़ा ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। हालांकि मेरा टारगेट शुरू में 200 करोड़ का था, जिसको रिवाइज करके मैंने 150 करोड़ के अंदर ले आया था, तो प्लस माइनस यहीं तक पहुंच पाएंगे इस साल, लेकिन आगे के लक्ष्य स्ट्रांग रखेंगे हम। जी सर, मैं देख रहा था कि आपके जो Q1 में रेवेन्यू था उसमें आपने हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स पर थोड़ा फोकस किया, खासतौर से जो आपके महारत्ना प्रोडक्ट हैं लाइक हाचीमैन, शिनवा एंड जी टॉरी। सर, इन सभी पर किस डिमांड ज्यादा आ रही है, या आपने फोकस ज्यादा कर दिया और आपने सोचा कि अब चूंकि मार्केट खराब है तो इन प्रोडक्ट्स को ही ज्यादा फोकस में रखते हैं, मार्जिन्स अच्छे मिलेंगे? देखिए, ऐसा नहीं है कि मार्केट खराब देख के किया, वो हमारी स्ट्रेटेजी थी कि हमें अपने सुपरस्टार्स क्रिएट करने हैं। हुआ क्या है कि एग्रोकेमिकल के अंदर पिछले कुछ सालों में कुछ बैनिंग्स भी हुई और कुछ जेनरिक प्रोडक्ट्स ऑलरेडी प्रेशर में हैं, तो हमने स्ट्रेटेजी बना लिया था कि हम लोग केमिकल में हैं, केमिकल में ही रहना है। केमिकल के साथ साथ बायोलॉजिकल में भी काम कर रहा हूँ, लेकिन बायोलॉजिकल अभी अपकमिंग बिजनेस है, उसके अंदर मेजर ग्रोथ इमिडिएटली आने का आसार नहीं है, लेकिन लॉन्ग रन में आ सकती है, जिसके लिए मैंने 2 R&D सेंटर अपने सेपरेटली सेट कर दिए हैं। लेकिन केमिकल में भी मैं रेगुलर R&D कर रहा हूँ, कुछ प्रोडक्ट्स मैं अपने जैपनीज कोलेबोरेशन के माध्यम से डाल रहा हूँ, कुछ नए फॉर्मुलेशन बिल्टअप कर रहा हूँ, और उसके साथ साथ कुछ नए टेक्निकल्स जो कि इंडिया में मोनोपोली हैं उनको बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये सभी प्रोडक्ट्स उनका हिस्सा है। जैसे शिनवा की मैं बात करता हूँ, शिनवा और हाचीमान, ये दोनों प्रोडक्ट मेरे निसान के कलेबोरेशन में है। शिनवा मेरे विजन है कि इंडिया का नंबर वन इंसेक्टिसाइड बनाएंगे, हाचीमान ऑलरेडी सोयाबीन का एक स्ट्रॉन्ग हर्बिसाइड के रूप में उभर रहा है। उसी के साथ साथ हमने इस साल जो थोड़ा काम कर रहे हैं, निसान का एक और प्रोडक्ट है हमारे पास जो कि फंजीसाइड है, इजुकी, उस पर भी अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बरसात कम थी तो सेल्स अभी पिकअप नहीं हुई, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि बहुत अच्छे से ये प्रोडक्ट भी सामने होकर आएगा। उसके अलावा अपने R&D सेंटर के भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे टोरी है जो हमने ऑलरेडी लॉन्च किया है, कुछ और प्रोडक्ट्स पाइपलाइन में। तो फोकस प्रोडक्ट की तरफ हम ज्यादा अग्रसर हैं, और हम लोग की स्ट्रेटेजी ये है कि धीरे धीरे जो जेनरिक्स की डिमांड आना कम हो गई है और मार्केट शेयर कम होता जा रहा है, उनकी टेल कटिंग करते जाएंगे और उनके जगह हम लोग नए जनरेशन के प्रोडक्ट्स देंगे, जिससे कि कस्टमर को आज चाहिए क्या, कस्टमर को चाहिए अच्छा सॉल्यूशन। अगर मैं उसको दे पाता हूँ तो उसकी जो इंटेग्रिटी है कंपनी के साथ और बढ़ती है, और जो नेटवर्क है वो भी खुशी के साथ कंपनी के साथ ज्वाइन होकर काम करता है। तो इसके अंदर एक मुश्किल होती है हमें कि फील्ड वर्क बहुत ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि जो जेनरिक प्रोडक्ट है अगर काउंटर पर दे दिया, एक अच्छी प्राइसिंग दे दी, तो अपने आप बिकता है, लेकिन नए प्रोडक्ट के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो हम किसान से जुड़ने की, नेटवर्क से जुड़ने की और इन सबको ट्रेनिंग करने की लगातार प्रयास कर रहे हैं, और ऑटोमेशन को, टेक्नोलॉजी को भी अपना रहे हैं अपने सिस्टम में कि किस तरीके से हम बेटर कनेक्टिविटी अपने अल्टीमेट कंज्यूमर किसान के साथ और नेटवर्क के साथ बढ़ा सकते हैं, रिटेलर के साथ बढ़ा सकते हैं, जो कि हमारे ट्रेड का एक बड़ा चैलेंज है। क्योंकि मेरा मटेरियल थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जाता है तो डिस्ट्रीब्यूटर तो मेरा कस्टमर रहता है, लेकिन रिटेलर मेरी बुक्स में कस्टमर नहीं दिखता है। तो इन सबको अटैच करके किस तरीके से लेके जा सकते हैं और नई टेक्नोलॉजी को कैसे कंट्री में पॉपुलर कर सकते हैं, जिससे कि किसान को इंटरनेशनल मार्केट की जो दवाएं हैं वो एक कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पे मिले, तो वो सब हम करने की कोशिश कर रहे हैं और अच्छी कामयाबी मिल रही है इसमें। बिल्कुल सर, Q2 में जैसा आपने बताया कि आपकी हाईएस्ट एवर सेल ऑलमोस्ट आप अचीव कर लेंगे, अब चूंकि मिड सितंबर भी आ चुका है तो आप ये प्रोडिक्शन कर भी सकते हैं आसानी से। सर, मार्जिन्स Q1 के कंपैरिजन में थोड़े स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं Q2 में या फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर? और दूसरा, ये जो फायर इंसिडेंट्स हुआ है इसका वन टाइम जो इम्पैक्ट होगा वो इसी क्वार्टर में आप दिखाएंगे? देखिए, फायर इंसिडेंस का कोई इम्पैक्ट नहीं होएगा, क्योंकि इन्वेंट्रीज मेरे पास थी और मैं उससे, जो अभी सीजन की है तो सीजन में मुझे कोई लॉस होगा नहीं इससे। और जहां तक बात है कि टॉप लाइन और बॉटम लाइन, तो टॉप लाइन में जो ग्रोथ मेरी फर्स्ट क्वार्टर में हुई है उससे अच्छी ग्रोथ Q2 में चल रही है ओवरऑल, अगर मैं आज तक का असेसमेंट करता हूँ तो मैं कर पाऊंगा। और बॉटम लाइन का जहां तक सवाल है, तो अगेन मेरे लिए बिगेस्ट क्वार्टर होता है, तो इसमें बिगेस्ट टॉप बॉटम लाइन का परसेंटेज भी रजिस्टर होना ही चाहिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ डबल डिजिट आना ही चाहिए, ऐसी मेरी उम्मीद है। बिल्कुल, और सर हम उम्मीद करते हैं कि शानदार क्वार्टर रहे आपका और बेहतरीन ईयर रहे। हालांकि मॉनसून उतना बेहतरीन नहीं रहा, लेकिन ऐसे समय में ही अच्छी कंपनी परफॉर्म करती है और आपने कर कर दिखाया। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर रेस्ट ऑफ द ईयर सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू जी, थैंक यू।